नांगल चौधरी पहुंची पूर्व सांसद श्रुति चौधरी पंजाब में कांग्रेसी मुख्यमंत्री के बदले जाने संबंधित सवाल पर कन्नी काटती नजर आईं। उन्होंने कहा कि ये फैसला पार्टी हाईकमान का था, उसके बाबत कुछ भी कहना बेमानी साबित होगा। देखिए, ये हाईकमान के लेवल की डिसीजंस हैं और इसमें तो मैं क्या टिप्पणी करूँ। मैं तो यही कह सकती हूँ कि अपना काम करिए, लोग हैं सामने, उनके लिए जो भी आपकी जिम्मेदारी है, मेरा ग्रास रूट में काम है और इस टिप्पणी में मेरा कोई अभी करने का वो नहीं। बता दें कि महेंद्रगढ़ लोकसभा की पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने आज हल्का नांगल चौधरी के आधा दर्जन से अधिक गांव का दौरा करते हुए लोगों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। गांव कमानिया में निर्धारित समय से करीब 2 घंटे देरी से पहुंची। पूर्व सांसद को सुनने के लिए ग्रामीण पलक बिछाए बैठे रहे। वहीं हरियाणवी लोक गायक अमित चौधरी और उनके सहयोगियों ने लोक गीतों का ऐसा समा बांधा कि वहां मौजूद ग्रामीण प्रादेशिक लोक गीतों का लुत्फ उठाते रहे और समय का पता ही नहीं चला। करीब 2 घंटे देरी से पहुंची पूर्व सांसद ने ग्रामीण जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नांगल चौधरी जैसे सूखे संभाग में पीने का पानी उपलब्ध करवाना उनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही थी। वहीं अब बीजेपी के लोग अंतिम छोर तक नहरी पानी पहुंचाने का दावा करते नहीं थकते, लेकिन शायद उन्हें ये मालूम नहीं है कि इस इलाके के अंतिम छोर तक नहरों का जाल बिछाने का काम उनके दादा और नए हरियाणा के जनक कहे जाने वाले चौधरी बंशीलाल ने ही किया था। जो नहर उस समय में बनी थी, आज उनकी सही तरीके से मरम्मत तक नहीं हो पा रही है। नांगल चौधरी से रामपाल फौजी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।